हेलो गार्डनर्स, आप सबका अपने चैनल माय ब्यूटीफुल रूफटॉप गार्डन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं अपने ऊपर वाले टेरेस पे हूँ और सोचा आज मैं यहाँ से वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे विंका बहुत अच्छे से मेरे ब्लूमिंग कर रहे हैं और काफ़ी नंबर्स में इसमें फ्लावर हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक विंका पर नहीं है, हमारा आज का टॉपिक मॉसरोज पे है, जिसको हम पोर्टुलाका भी बोलते हैं। इसको बहुत से नामों से जाना जाता है। हमारे यहाँ इसको हमारे सर्वेंट्स कहते हैं, इसको हम लोग तो बीची फूल बोलते हैं, और इसको 9 o'clock भी बोला जाता है, मॉसरोज भी बोला जाता है। हमारा आज का टॉपिक उसी पे है कि हम उसको प्रोपेगेट कैसे कर सकते हैं, उसकी केयर क्या है, और आज मैं उसी के बारे में आप सबको बताऊंगी। उससे पहले मैंने सोचा, बहुत दिन हो गए हैं मैंने आपको अपने ऊपर वाले टेरेस का व्यू नहीं दिया, तो मोस्टली मेरे मॉसरोज इसी वाले टेरेस पे हैं, वहाँ पर हैं, सिर्फ हैंगिंग में हैं। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए, मैं सोच रही हूँ अपने ये वाले छोटे गमलों को अपने सेंटर गार्डन नीचे वाले में वहाँ पर शिफ्ट करूँगी मे बी। तो चलिए इधर से स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों पोर्टुलाका को या मॉसरोज को आप बहुत इजी सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए, ये सेल्फ सीडलिंग हुई है, ये इसमें देखिए मेरा कार्नेशन लगा हुआ, और ये शायद पिछली बार के कहीं सीड्स गिरे होंगे, क्योंकि मैंने सीड्स से लगाए थे पिछली बार भी। तो ये देखिए, ये अपने आप ही जर्मिनेट हुए हैं, ये मैंने नहीं किया है, ये सेल्फ सीडलिंग हुई है। और इस बार मैंने कोई भी सीडलिंग नहीं की है, सिर्फ कटिंग ही लगाई है। और ये देखिए, ये प्यारा सा ये ऑरेंज कलर का, और ये देखिए दोस्तों, मॉसरोज जो है बहुत अच्छा ग्राउंड कवर है। मैंने सिर्फ 2 कटिंग लगाई थी, आपको दिख रही होगी, और इसने पूरे आपके गमले के जो सरफेस है उसको पूरा ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। और मेरे कुछ पेटूनिया अभी भी ठीक ठाक हालत में हैं। और इधर भी देखिए, मैंने मॉसरोज लगाए हैं, ये देखिए ये कितना अच्छा ब्लूमिंग कर रहा है। जैसे जैसे धूप आती है वैसे वैसे ये ब्लूम करते हैं, और काफ़ी नंबर्स में इसमें फ्लावर्स आते हैं, बशर्ते इसके फ्लावर दोस्तों जब तक धूप रहती है तब तक रहते हैं। उसके बाद जैसे जैसे शाम होने लगती है, इसके फ्लावर सब स्पेंट हो जाते हैं, और बस ये आपके एक ही दिन के मेहमान होते हैं। और यहाँ देखिए, ये काफ़ी खूबसूरत है। ये देखिए, मैंने इसमें 6 कटिंग लगाई थी, 6 इसमें और 7 इसमें लगाई थी। और ये देखिए, पूरा इसने मेरे झूले को काफ़ी अच्छे से भर लिया है। और मुझे दोस्तों ये बटन रोज जैसा होता है, मुझे बिल्कुल वैसा ही लगता है। और ये छोटे से छोटे प्लांटर में आपका लग जाता है। ये देखिए, इसकी डेप्थ भी ज़्यादा नहीं है, और ये कितने अच्छे से इसमें सर्वाइव कर रहा है। और ये देखिए, इसने तो पूरा ही, इसमें भी मैंने 2 ही कटिंग लगाई थी, और इसने देखिए पूरा का पूरा मेरे जो गमला है उसको भर लिया, पॉट को। तो चलिए पहले दोस्तों इसकी सॉइल की बात कर लेते हैं। दोस्तों पर्सलिन और पोर्टुलाका दोनों की सेम रिक्वायरमेंट है। और ये देखिए, ये मेरी पर्सलिन है, सिर्फ मेरे पास ये एक ही पेड़ बचा था, मतलब बचा क्या था, एक ही पेड़ था मेरे पास एक ही पॉट में लगा हुआ, तो उससे मैंने यहाँ 2 किए हैं। और इसकी छोटी छोटी सी कटिंग अपने नीचे लगा के रखी है, अगर वो सर्वाइव कर जाती हैं और लग जाती हैं, वो ये बहुत इजी लग जाती हैं, तो मैं इनको और भी शिफ्ट कर दूँगी। ये देखिए, इसमें भी 2 ही कटिंग थी, और ये देखिए इसने मेरे पूरे गमले को भर लिया है। पर आप देख रहे होंगे ये काफ़ी घना हो गया है, इसलिए इसके फ्लावर्स के साइज़ भी काफ़ी छोटे हो गए हैं। तो मैं इसकी अभी कटिंग करने वाली हूँ, पहले मैं इसकी सॉइल की बात कर लेती हूँ। दोस्तों इसकी वैसे ऑलमोस्ट दोस्तों मेरी सॉइल वही होती है जो मैं आप लोग के साथ में शेयर किया हुआ है, वही सॉइल है। और अच्छी ड्रेनेज होनी चाहिए, पानी इसमें भी रुकना नीचे, क्योंकि ये एज एक सैकुलेंट है, क्योंकि इसकी पत्तियों में भी जो ये आप देख रहे हैं इसमें पानी होता है। अगर आप इसको एक दिन पानी नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसकी पत्तियों में पानी होता है, ये सैकुलेंट फैमिली से है, तो ये काफ़ी अच्छा सा सर्वाइव कर जाता है गर्मियों में, और फुल धूप में ये काफ़ी अच्छा ब्लूमिंग करता है। और मैंने आपको मिट्टी की बात बता दी, फर्टिलाइज़र इसको आप दीजिए या नहीं दीजिए, पर अगर आप अच्छे फ्लावर अच्छा कंडीशन चाहते हैं तो आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र 15 days पे देते रहिए, तो काफ़ी अच्छा है। प्रोपोगेशन दोस्तों सीड से हो सकता है और कटिंग से हो सकता है। देखिए जैसा कि ये आप देख रहे हैं, आपने कहीं से भी एक कटिंग ली, ये देखिए मैंने ली, और आप इसमें रूटिंग हार्मोन लगाइए या नहीं लगाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप इसको ऐसे ही
लगा दीजिए और ये काफ़ी जल्दी फ्लावरिंग भी करने लगेगा। ये देखिए, ये जो नोट एरिया होता है जहाँ से लीप्स होती हैं, इस एरिया को आपको नीचे दबाना होगा। आप इतना दबाएंगे जो आपकी रूट्स हैं वो यहाँ यहाँ से ही आएंगी, तो ये काफ़ी अच्छे से लग जाता है। और ये ग्राउंड कवर जैसा कि मैंने बताया है ही है, तो देखिए ये काफ़ी भर गया। मैं इसमें से ही अपनी कटिंग लूँगी, अभी मैं इसमें से ले लूँगी और लगा के मैं अपने और पॉट में लगा दूँगी। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा ग्राउंड कवर है। और दोस्तों मेन इसको सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बरसात रेनी सीजन में जब पानी बरसता है इसको पानी से, जैसा कि ये सकुलेंट है तो सारे सकुलेंट्स के साथ वही है कि अगर ये ज़्यादा पानी पाएगा तो ये सड़ने लगता है, तो आपको इसको ओवर वाटरिंग से बचाना है। और दोस्तों ये खूबसूरत तो है ही है, अब इसको मैं कटिंग कर दूँगी। तो जैसे ये, जैसे आप इसको कटिंग करेंगे तो ये और बढ़ेगा। अगर आपको जैसे दो पेड़ आपने लगाए उसकी थोड़ी कटिंग कर दीजिए, उसमें से और शूट्स निकलेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा, देखिए मेरे गमले को भर लिया है, ऐसे आपके भी गमले को भर लेगा। और चलिए होप है दोस्तों मैंने इसके सारे टॉपिक्स तो आपको बता ही दिए हैं। सन रिक्वायरमेंट भी इसकी काफ़ी है दोस्तों, गर्मी का पौधा है तो इसको 4-5 घंटे की धूप चाहिए ही। और ये देखिए ये हमारी गोमफिना कितने अच्छे से यहाँ पे खिल रही है। मैंने आपके साथ में इसका वीडियो शेयर किया हुआ है, 1-1.5 महीने पहले मैंने इसको यहाँ पे रिपोर्ट किया था और ये भी सेल्फ सीडलिंग हुई थी। और मेरे पास अभी भी बहुत सारे सीडलिंग है। और यहाँ देखिए ये फिर से सीडलिंग हो गई और यहाँ पे फिर से प्लांट्स जर्मिनेट हो गए। तो चलिए गार्डनर्स, होप है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये देखिए हमारे सारे गुलदाउदी लगे हैं और ये देखिए मधु मालती की बेल काफ़ी अच्छी इस टाइम फ्लावरिंग कर रही है। ओके गार्डनर्स, इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।